जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस बर्बादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। देखिए, 1950 के दशक में एक घोटाला हुआ था, जीप स्कैम। उसमें देश को 52 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, पर फिर भी आप देखिए कि 52 लाख में कितने जीरो होते हैं। और भी कई घोटाले थे, LIC में मुंद्रा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम सेंट्रल बैंक में। हर साल घोटाले होते थे। सोचने वाली बात यह भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं, 100 में से कोई एक या दो ही जनता के सामने आ पाते हैं। अब 2010 पे आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, 70,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्कैम, 1,76,000 करोड़। 2012 पे आइए, कोलगेट घोटाला, 1,86,000 करोड़। अगर 1,86,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो याद कीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार 1 रुपया गरीबों के लिए खर्चती है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। कुछ वक्त पहले कर्नाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को 1 रुपए किलो चावल देने की घोषणा हुई है, जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है। कुछ हफ्ते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं कि जो पैसा गरीबों को 1 रुपए के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है, उससे जो चावल खरीदा जाता है वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है, या जहां अच्छे चावल की खरीद हुई है वहां उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है, कैसे बच पाएंगे हम? सर, इस तरह के घोटालों का, भ्रष्टाचार का आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है? आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी महंगाई है, क्योंकि जो पैसा देश के विकास के लिए रखा गया है, जिसे देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए, वो पैसा 85% चुरा लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में 1 रुपए में 15 पैसे ही सही जगह पर पहुंचते थे तो आज 5 रुपयों में से 15 पैसे पहुंचेंगे। ये हो रही है हमारी तरक्की। हम लोग, आप हेल्थ केयर को लीजिए, सरकारी अस्पतालों को काफी नजदीक से मैंने देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2010 में एक गांव की महिला डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई, उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया। महिला के साथ जो व्यक्ति था वो पैसों का इंतजाम करने गांव भागा। फिर अस्पताल वालों ने महिला को कहा कि यहाँ मत बैठो, बाहर जाओ। वो बेचारी उस हालत में सड़क पार करके बाहर बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई। जब तक पैसों का इंतजाम होता, बाहर उसी बस स्टॉप पर उसकी डिलीवरी हुई। ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम? मुझे लगता है कि लालच तो एक बात है, लेकिन लालची होने के साथ साथ हम अपनी इंसानियत भी पूरी तरह से खो रहे हैं। हम इंसान से शैतान बन रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। कुछ ईमानदार लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी 125 करोड़ लोग बेईमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास बेईमानी करने का मौका ही नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि एक आदमी जो बड़े ओहदे पे है, वो अगर दूसरे पर उंगली उठाकर कहता है कि आप भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, तो सामने वाला इनकार नहीं करता, वो पलटकर कहता है कि आप नहीं हो क्या भ्रष्ट? That's so true. ऐसी सोच बन चुकी है। यहाँ जो नौजवान मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Sure, please. मेरी पीढ़ी के लोग अब हालात नहीं बदल पाएंगे, अब सिर्फ आप ही हालात बदल सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि लालच सब सरहदें पार कर चुका है, सिर के ऊपर निकल गया है। अब और ऊपर जाने की जगह ही नहीं बची। आपके पास मौका है उसे नीचे लाने का। ये काम आपको जरूर करना है, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर।